Starting with the name of Allah Almighty, who is most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. This is Aurali and today we are going to read the paragraph number 8 and 9 of class 9, unit number 12, 3 days to see. आज हम जो यूनिट नंबर 3 है उसका जो सॉरी यूनिट नंबर 12 है क्लास 9 का उसका हम पैराग्राफ नंबर 8 और 9 पढ़ने वाले हैं. इट इज़ कॉल्ड 3 days to see, यानी बसारत के 3 दिन. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन रिग्रेट फॉर लॉन्गिंग. मेरे पास कोई वक्त नहीं है कि मैं चीज़ों को रद्द करते हुए ज़ाया करूँ. देर इज़ सो मच टाइम टू सी, देर इज़ सो मच टू सी, यहाँ देखने को बहुत कुछ है. द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई डिवोटेड माई टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ एनिमेट जो जिंदा है, इन एनिमेट जो मुर्दा है, यानी जिंदा और जो मुर्दा दोस्त हैं उनके बारे में सोचते हुए पहला दिन जो है वो मैं गुजारूंगी. द सेकेंड रिवील्ड टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर. तो जो दूसरा दिन है वो मैं इंसान और फितरत के बारे में जानना चाहूँगी. टुडे, आज के दिन, आई शैल स्पेंड इन दैट वर्क डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट. तो आज का जो दिन है वो मैं रोज़मर्रा के कामों में गुजारूंगी. Amidst the haunts of men going about the business of life, and where can one find so many activities and conditions of men in New York? So the city becomes my destination. तो कहता है कि मुसीबत में गिरे, आज का दिन जो है वो रोज़मर्रा के कामों में गुजारूंगे. मुसीबत में गिरे लोग जो ज़िंदगी के कारोबार से गुजर रहे हैं, जहाँ एक इंसान न्यूयॉर्क में बंदों की इतनी सरगर्मी और हालात तलाश कर सकता है, तो ये शहर मेरी मंजिल बन जाता है. यानी मुझे लगता है कि ये शहर ही मेरी मंजिल है और मुझे इसके बारे में जानना है. नंबर 9 है नाउ अप एंड देन, और फिर. आई हैव टेस्टेड सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी. अब और फिर मैंने देखने वाले दोस्तों से मालूम किया कि वो क्या देखते हैं. रिसेंटली, हाल ही में, आई वॉज विजिटेड बाय अ वेरी गुड फ्रेंड हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स. तो हाल ही में मैं अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त के यहाँ गई थी जो जंगल में एक लंबी चहलकदमी के बाद वापस आई थी. आई आस्क हर व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड. तो मैंने इससे पूछा कि इसने क्या मुशाहिदा किया. नथिंग इन पर्टिकुलर. तो उसने जवाब दिया कि कोई ख़ास नहीं. शी रिप्लाइड, उसने कहा, आई माइट हैव बीन incredulous had I not been accustomed to such responses for long ago became convinced that the seeing little. तो कहती है कि इसने जवाब दिया, मुझे कुछ एतमाद हासिल ना हुआ. क्या मैं इससे रद्द अमल से वाकिफ नहीं हूँ. काफ़ी अर्सा पहले मेरा इस बात पर यकीन बन गया था कि देखने वाले लोग थोड़ा ही देखते हैं. तो वो कह रही थी कि जो लोग आँखों के साथ देखते हैं वो बहुत ही कम देखते हैं, उन्हें चीज़ों की कदर नहीं होती है. और जो लोग देख नहीं सकते हैं और जो देखने की ख्वाहिश करते हैं, उन लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने के फैसिनेट करती है, अट्रैक्ट करती है. वो बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं इन चीज़ों को देखने की. तो जो देखते हैं वो बहुत ही कम देखते हैं. सो दैट इज़ वॉट हेलन केलर सेड इन हर बायोग्राफी. जो रिमेनिंग पैराग्राफ्स हैं नंबर 10 और 11, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह. गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.